एसी एलईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक 90% प्रोटेस्ट फलस्तीन के सपोर्ट में हुए हैं और 13% प्रोटेस्ट इसराइल के सपोर्ट में किए गए हैं, जिसमें 600 प्रोटेस्ट अमेरिका में, 1400 प्रोटेस्ट मिडल ईस्ट में और 170 प्रोटेस्ट जर्मनी में देखे गए हैं। सवाल ये बनता है कि एक पावरफुल कंट्री जिसके प्रोडक्ट्स हम चलते फिरते यूज़ करते हैं, उस कंट्री के अगेंस्ट में 90% प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं। सन 1900 की बात है, यूरोप में यहूदियों पर काफ़ी जुल्म हो रहा था। वो जहाँ भी जाते उन्हें जुल्म का सामना करना पड़ता, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, रशिया, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने उन्हें धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया था। जानना ज़रूरी इसलिए है कि यही यहूदी जो यूरोप और अमेरिका से भगाए गए थे, वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं और कैसे एक देश की स्थापना करते हैं। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि वो कौन सी विचारधारा थी जिसने सारे यहूदियों को एक जगह जमा किया और एक देश जिसे आज हम इज़राइल कहते हैं उसकी स्थापना की। दो मई 1860 को हंगरी के बुदापेस्ट में एक बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा एक सेकुलर यहूदी खानदान में पैदा होता है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली में उनकी बहन, उनकी मम्मी, उनके पापा थे। उनके पापा एक सक्सेसफुल कारोबारी इंसान थे। ये बच्चा बड़ा होता है, साइंस में सेकेंडरी एजुकेशन हासिल करता है। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इंडिया में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी। ये बच्चा जिस माहौल में रहता था वो एंटी सेमेटिक माहौल था। एंटी सेमेटिक का मतलब है जहाँ ज्यूस यानी यहूदी से नफरत की जाती, उसे एंटी सेमेटिक कहा जाता है। फिर इस नफरत के माहौल से बचने के लिए इसे एक ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ अक्सर स्टूडेंट यहूदी थे। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि थियोडोर हर्ज़ल थे। 1878 में हर्ज़ल की फैमिली बुदापेस्ट से ऑस्ट्रिया के वेन्ना शहर में शिफ्ट होती है। हर्ज़ल वहाँ लॉ एजुकेशन हासिल करते हैं। उसके बाद हर्ज़ल लॉ की पढ़ाई करते हैं और 1884 में उनका लॉ का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन हर्ज़ल फिर भी लिटरेचर पढ़ते रहते हैं और एक न्यूज़पेपर के लिए काम भी करते रहते हैं। दोस्तों, ये वो वक्त था जब यहूदियों को बहुत सताया जा रहा था। हर जगह से उनको निकाला जा रहा था, इन पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। स्विट्ज़रलैंड में उन पर पाबंदी लगाई गई। कहा गया कि क्रिश्चियन और यहूदी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। वहाँ यहूदी अपनी ज़मीन खरीद नहीं सकते और उनको दूसरे लोगों से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता। यहाँ तक कि उनकी शादियों पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, और अगर शादी कर भी ले तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता और उस पर भी डबल टैक्स लगाया जाता। 1840 में एक कैथोलिक जर्नलिस्ट लुइस वेल्लोट एक बुक लिखते हैं और उसमें यहूदियों के खिलाफ आर्ग्यूमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये यहूदी क्रिश्चियन के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, और बुक में यहूदियों पर जोरदार अटैक करते हैं और उस बुक का नाम बाइबल ऑफ एंटीसेमिटिज्म रखते हैं, जो बाद में जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होती है। उसके अलावा 1881 में जब यूरोप से यहूदी अमरीका माइग्रेट होते हैं, वही अमरीका जो आज इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जब बहुत ही खराब कंडीशन में यहूदी वहां जाते हैं तो उन्हें वहां भी ट्रस्ट नहीं किया जाता, सिटीजनशिप नहीं दी जाती, नौकरी नहीं दी जाती, शिक्षा नहीं दी जाती और सोशली उनको टारगेट किया जाता और उनको मॉरली कल्चरली नीच दिखाया जाता। इवन कई ज्यूस, कई यहूदी वहाँ से फिर से यूरोप वापस आ जाते हैं। इटली, फ्रांस, स्पेन, पोलैंड और रशिया में जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें सताया जाता और अपोज किया जाता है। ये सब देखने के बाद हर्ज़ल ने यहूदियों के लिए आवाज़ उठाई कि यहूदियों के लिए एक स्टेट बनना चाहिए। अभी तक हर्ज़ल यहूदियों पर पाबंदियों और बॉयकॉट को सोशल प्रॉब्लम समझते थे। वो कहते थे सोसाइटी में साथ रहकर ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो फ्रांस जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रांस की फौज में एक यहूदी जिनका नाम अल्फ्रेड ड्रेस था, उन पर ये आरोप लगाया जाता है कि फ्रांस के फौजी डॉक्यूमेंट एक जर्मन एजेंट को बेच देते हैं। इसी वजह से फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ बहुत दुश्मनी बढ़ने लगती है। इन सारे रीजन के चलते ये जियोनिस्ट आइडियोलॉजी वजूद में आई। जियोनिस्ट आइडियोलॉजी का कहना था कि ये बस बहुत हो गया, अब यहूदियों के लिए अलग स्टेट बननी चाहिए। इसके अलावा बेंजामिन डिज़राइल ने नावल लिखी जिसका नाम ट्रेंसर था। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के एक दोस्त मूसा हेज ने एक किताब लिखी जिसका नाम रोम एंड जेरूसलम पब्लिक है, जिसमें उन्होंने यहूदी स्टेट को यहूदियों के लिए और बाकी ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरत बताया। वैसे तो हर्ज़ल ने ज़ियोनिस्ट आइडियोलॉजी की स्थापना कर चुके थे,
लेकिन उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए वो उस वक्त के अमीर इंसान मॉरिस डी हर्श के साथ एक इंटरव्यू करते हैं, जिन्होंने JCA ज्यूस कॉलोनाइजेशन एसोसिएशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद था यहूदियों को रशिया, रोमानिया और अमेरिका से अलग अलग हिस्सों से अर्जेंटीना में सेट करना था। इस इंटरव्यू में हर्जल ने बताया कि यहूदियों को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है और सारे यहूदियों को एक फ्लैग के नीचे जमा करने की भी ज़रूरत है। 1896 में हर्जल एक इश्तिहार छापते हैं और कहते हैं कि ज़ियोनिस्ट एक सामाजिक या मजहबी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकल और नेशनल क्वेश्चन बनकर सॉल्व किया जा सकता है। इस पॉम्पलेट को दूसरी जगह से भी रिस्पॉन्स आने लगते हैं। यूरोप की ज़ियोनिस्ट सोसाइटी से भी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने लगते हैं। जून 1896 में हर्जल सुल्तान अब्दुल हमीद से मिलने इस्तांबुल जाते हैं, जो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान थे। सुल्तान से उनका कहना था कि फलस्तीन में यहूदियों के लिए जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उनसे नहीं मिल सके। इस्तांबुल से वापस आकर हर्जल ने एक ज़ियोनिस्ट कांग्रेस बनाई, जिसकी शुरुआत लंदन में होती है। इस प्रोग्राम में 200 यहूदी अटेंड होते हैं, लेकिन इंग्लैंड के यहूदी इसे देखकर सेटिस्फाई नहीं थे। वो हर्जल की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर ना समझते। इसी बात पर हर्जल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस लेने का फैसला किया। उस वक्त सारे यहूदियों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ब्रिटेन उनको योगांडा की जगह देता है, ताकि वहां जाकर यहूदी आज़ादी के साथ रहे, अपने घर बनाए और उनको जमीन पर कोई ना सताए। लेकिन हर्जल ने जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसकी नीयत ये थी कि उसको फलस्तीन की जगह चाहिए थी। उस वक्त बहुत से रिलीजियस यहूदी ये चाहते थे कि हमें मजहब पे रहने और उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी हो। हर्जल ने जो ज़ियोनिस्ट आइडियोलॉजी की स्थापना की थी, उसका ये मकसद था कि किसी भी तरफ फलस्तीन को अपने कब्जे में करा जाए। और हर्जल ने ग्रेटर इज़राइल का मैप भी बनाकर बताया, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, लिबनान जैसे कई देश शामिल है। जिस तरह खालिस्तान एक मुल्क चाहता है, इसी तरह हिंदू राष्ट्र की बात होती है और ISIS भी यही चाहता है। ये जितने भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, इन्होंने कई दंगे करवाए, कई टेररिस्ट अटैक करवाए और आज गाजा में जो हो रहा है वो आप जानते ही है। ये जितने भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, ये लोगों पर जोर जबरदस्ती करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं और यहाँ तक कि अपने लोगों को भी मार देते हैं। जिस ग्रेटर इज़राइल का खौफ हर्जल ने देखा था, वो कहीं ना कहीं पूरा करने की आज कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में हैं। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।